हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे की एक नई अपडेट के बारे में बताऊंगा। इंडियन रेलवे की वह नई अपडेट ये है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बंद होने वाला है। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्यों बंद हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कब से बंद होएगा, दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बंद होने वाला है। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्यों बंद हो रहा है। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने अपने बजट में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अपडेट करने का फैसला लिया है, मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को और अच्छे से बनाया जाएगा। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वैसे तो बहुत बड़ा है, इस रेलवे स्टेशन पर रोज की कम से कम 300 से 400 तक ट्रेनें आती रहती हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में इंडियन रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को नए सिरे से कैसे बनाएगा, क्योंकि ट्रेनें हर 5 मिनट बाद आती जाती रहती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पूरे ऑल इंडिया के लिए ट्रेन चलती हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडियन रेलवे ट्रेन भी चलाएगा और काम भी करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को नए सिरे से बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को और अच्छे से बनाया जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक डिजिटल तरीके से बनाया जाएगा, जो कि बाहर से देखने में भी बहुत शानदार होगा और अंदर से भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। अब बात सोचने की यह है कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेनें चलती हैं, क्या वो ट्रेन जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आकर लगती है और दूसरी जगह जाती है, उन ट्रेनों का क्या होगा और वे कहां से मिलेंगी। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बंद करके जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें आती थी और वहां से बनकर चलती थी, उन ट्रेनों को इंडियन रेलवे दूसरे स्टेशन पर डाइवर्ट करेगा। मतलब जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर कोई ट्रेन बनकर चलती है तो वो आपको दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन या आनंद विहार या पुरानी दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन से मिलेगी। यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इंडियन रेलवे ने ऐसा करने का फैसला लिया है। तो आपको ध्यान यही रखना है, जब आप ट्रेन में यात्रा करें तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में ये चेक करना है कि ये ट्रेन कौन से रेलवे स्टेशन से मिलेगी, जो कि पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बन के चलती थी। दोस्तों, इंडियन रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कब से शुरू करेगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह काम इस साल के आखिरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यात्रा करने से पहले आपको अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में रेलवे से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।